काय झालं? हो हो मी घेऊन येते चहा. पोपट भाऊच्या इकडे आचार पापड देऊन या. काजू कोथमीर वडी. दूधी भोपळाचा हलवा. आता माझी सटकली. समझ गए होगे ना आप लोग क्यों मेरी आज सटक रही है? क्योंकि आप लोग कब से डिमांड कर रहे हो मराठी चैलेंज करो, लिविंग लाइक अ मराठी चैलेंज करो. सो हियर विच इज गाइस, ये है मेरा पहला महाराष्ट्रियन आंटी वाला लुक और ये है हमारा बाजीराव. हाँ गाइस, आपको पता है सिम्बा को जब हम लेकर आए थे ना, ये कोल्हापुर से आया था. ये मराठी मानुष है, रियल मराठी मानुष है और इसका नाम मैं बाजीराव रखने वाली हूँ. लेकिन फिर इसकी पर्सनालिटी के साथ सूट नहीं हुआ. क्या बोलते हो आप लोग, हैं सिम्बा बेटर है कि बाजीराव? नीचे कमेंट्स में बताना. बाजीराव नहीं रिस्पॉन्ड करता, सिम्बू करता है. सब्जी ले लो सब्जी है भाजी वाली. इसमें ना महाराष्ट्र में खाई जाने वाली चार सबसे फेमस सब्जियां हैं जिनके मैं आप लोगों को मराठी नाम बताती हूँ जो मैंने मुंबई आके सीखे हैं. क्या है क्या है? हाँ ये देखो. अब इन्हें क्या कहते हैं ये तो शायद आप लोगों को भी पता होगा. इसे कहते हैं बटेटा बटाटा. ये है कांदा. और ये सब्जियां देख के कितना एक्साइटेड हो रहा है. इसे बोलते हैं महाराष्ट्र में वांगी. भरेली वांगी बनती है या वांगी? ओह माय गॉड सिम्बा, क्या हो रहा है? ये पक्का मराठी मानुष है, मानते हो ना आप लोग? हाँ ये देखो, इसे बोलते हैं टेंडली. आप लोग क्या बनती है टेंडली? टेंडली खाएगा? वेल फ्रेंड्स, नाश्ते में मैं इनमें से कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, बल्कि मैं तो खाने वाली हूँ मेरा फेवरेट मराठी नाश्ता मिसल पाव. यू नो मराठी लोगों की बहुत ही खास बात है, वो किसी भी चीज के साथ पाव खा लेते हैं. बड़ा पाव, मिसल पाव, भजिया पाव, समोसा पाव, पाव भाजी. आपको महाराष्ट्र में हर जगह ये स्पेशल टाइप के पाव मिलेंगे. ये किसी और स्टेट में नहीं आपको मिलते, सिर्फ महाराष्ट्र में मिलते हैं. दे आर रियली यम. आप लोगों ने कभी मिसल पाव ट्राई किया है? अगर हाँ तो मुझे बताना कहाँ का और कहाँ का मिसल पाव आप लोगों को सबसे टेस्टी लगता है. मुझे नासिक में और कोल्हापुर में बहुत अच्छा लगा था मिसल पाव. कोल्हापुर की हर चीज बहुत तिक्की तिक्की होती है. कोल्हापुर से याद आया, मेरे पास आप लोगों के लिए सरप्राइज है. नाश्ता फिनिश करके मैं जा रही हूँ तैयार होने. कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये कंप्लीट महाराष्ट्रियन अवतार? वाओ, मेरा फेस ग्लो कर रहा है ना मेकअप करने के बाद. वो इसलिए क्योंकि आज मैंने यूज किया है मामा अर्थ का ये न्यू ग्लो सीरम फाउंडेशन. फ्रेंड्स, दिस फाउंडेशन हैज अ बिल्डेबल कवरेज ऑफ अप टू 12 आवर्स. यू हर्ड इट राइट. और इसके अंदर ना टर्मरिक और विटामिन सी है जो नेचुरली आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करते हैं. दिस फाउंडेशन इज एब्सोल्युटली लाइटवेट. यू नो इसे लगाने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ लगाया है. कैसे दूसरे फाउंडेशंस लगा के हमारा फेस एकदम केकी हो जाता है, लेकिन इसे लगाते ही स्किन इतनी हाइड्रेटेड फील करती है और साथ ही ये एक ड्यूई और फ्लॉलेस लुक देता है विदाउट एनी क्रीजिंग. दिस मामा अर्थ फाउंडेशन इज क्लिनिकली टेस्टेड टू सूट ऑल इंडियन स्किन टोन्स एंड इट कम्स इन 7 शेड्स, सो यू कैन फाइंड द राइट मैच फॉर योर स्किन टोन एफर्टलेसली.
It's also made safe certified, which means it contains no toxins or harmful chemicals. तो अगर आपको भी ये foundation पसंद आया, check it out on Mama Earth website. और हाँ, do not forget to use my discount code Garima2022 for an extra 20% discount. This is also available on Amazon, Flipkart and Nykaa. और अब Mama Earth की अपनी खुद की app भी है, जिस पे अगर आप login करते हो ना, तो आप early discounts पा सकते हो. और मेरा जो coupon code है, वो Mama Earth की app पे भी चलता है. So check it out. I will leave the links in my description box, and if you buy directly from Mama Earth, they will link your order to a tree that they plant. By 2025, they plan to plant 1 million trees. It's an awesome initiative, guys. Anyway, मुझे भी एक awesome initiative लेना है, और वो ये है कि किचन में जाके मुझे अब मराठी लंच बनाना है. आ जाओ. इसे पहचानते हो ना आप? विद्या है. देखो, इसे चीटिंग मत मानना. अगर मेरे घर पे ओरिजिनल मराठी इंसान है, तो उसी की हेल्प से मैं आज का मराठी लंच बनवाऊंगी ना, मतलब बनाऊंगी. ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? पिठला भाकरी और ठेसा. ठेसा. ये सब महाराष्ट्रियन लोगों की बहुत ही फेवरेट चीजें हैं ना. हाँ. एकदम टिपिकल मराठी चीजें हैं. सो लेट्स डू दिस. तू ही कर दे सारा काम. नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ. रेडी है. कितने टिपिकल स्टाइल में इसने थेचा बना के दिया. ये हमने बनाया है पिठला, और ये है हमारी भाकरी. और गाउंटी स्टाइल में विद्या ने मुझे कांदा भी तोड़ के दिया. इधर आ, इधर आ. थैंक यू. अब हम गाउंटी स्टाइल में बैठ के जमीन पे खाएंगे. मैं और विद्या हमारा यम्मी मराठी लंच एंजॉय करते हैं, और आपसे मिलेंगे शाम को चाय के टाइम पे. बाय करना सबको. बाय. लेटर दैट सेम इवनिंग. चाय है ही नहीं. ए माधवी, हां आले दोन मिनट. काय झाला? हो मी घेऊन येते चहा. पोपट भाऊच्या इकडे अचार पापड देऊन या. ए गेले. कसं काय महिला म्हणली की आप लोगों को समझ में आया कि मैं कौन सा सबसे फेमस हिंदी टेलीविजन सीरियल का मराठी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ? आइडिया होगा. आ गया तो नीचे कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताना. You know, friends, I am very bad with languages. मुंबई में इतने साल रहने के बाद भी ना मला थोड़ी थोड़ी मराठी ये थे. मुझे आता है सला सला, पुणे सला, और क्या मला माहित नाही. और क्या बोलते हैं ये जो टपोरी हवलदार वाली लैंग्वेज होती है ना, बस उतना ही आता है. एनीवे, आप लोगों से मैंने पूछा था मुझे कुछ मराठी की लाइंस बताओ, तो आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ. आप लोगों ने मुझे क्या लाइंस दी हैं बोलने के लिए. आई होप मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊँ. नमस्कार मित्राणो, तुम्हा सर्वांच गरिमाज गुड लाइफ चैनल वर खूप खूप स्वागत आहे. तुम्ही सगळे कसे आहात? आज तुमच्या संग वरुण मी लिविंग लाइक अ महाराष्ट्रियन चैलेंज करत आहे. वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया. खूब खूब शुभेच्छा. हाँ ये मुझे आता था पहले से. अग्गा भाई अप्रतिम. ओके काय सरले काय, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस. अगर आप लोगों को पता है तो नीचे ट्रांसलेट भी कर देना. चला आता अपन बाहर जाओ. यस, मेरी चाय हो गई है, और एक्चुअली अब हम डिनर करने के लिए बाहर ही जाएंगे. आई टेक यू टू अ वेरी वेरी अमेजिंग प्लेस. सो सी यू गाइस इन अ बिट.
8:01 PM. Ta-da! I'm ready for my dinner. Guys, if you have ever known a Maharashtrian girl, then you would definitely know their love for kurti and jeans. So, main bhi isi look mein ja rahi hoon dinner karne. Wo bhi Marathi celebrities ke favorite restaurant mein. Chalo, let's go. सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मुंबई के शिवाजी पार्क माहिम एरिया, जो कि महाराष्ट्रियंस का गढ़ है. वहाँ के सबसे फेमस मराठी रेस्टोरेंट दीवा महाराष्ट्र चापे. यू नो, इस रेस्टोरेंट को बहुत सारे बेस्ट मराठी फूड अवार्ड्स मिल चुके हैं. और जितने भी मराठी सेलिब्रिटीज़ हैं, लता ताई से लेकर आशा ताई, देन बाला साहब ठाकरे, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर, यू नेम देम एंड दे हैव कम हियर टू हैव देयर फेवरेट डिशेस. मैं भी आज यहाँ पे अमेजिंग मराठी डिशेस इन्जॉय करने वाली हूँ. आ जाओ. थैंक यू. ये बाय द वे यहाँ के ओनर्स हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे मराठी खाने के बारे में पोएम लिखी है. एंड दिस वॉल इज डेडिकेटेड टू ऑल द मराठी सेलिब्रिटीज हु हैव कम हियर एंड ईटन एट दिस प्लेस. आई एम सो एक्साइटेड. आरंट यू गाइस एक्साइटेड टू? काजू कोतमीर वड़ी, उसके साथ देखो खाने के लिए यहाँ पर थेचा, सब लोग देते हैं ऑब्वियसली, हरी चटनी और टेंडली का अचार है. Wow. बोला था ना आप लोगों को, मराठी लोगों को टेंडली बहुत पसंद है. टेंडली का अचार, ये क्या है? आलूची वड़ी. एंड फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस ब्यूटिफुल लुकिंग कोकम शरबत. हाँ हाँ, कोकम शरबत है ये. मराठी क्यूजीन बिना इसके पूरा नहीं होता है. एंड दिस शरबत इज सो रिफ्रेशिंग एंड इट्स सो डिलिशियस, स्पेशली गर्मियों में इसे हर जगह महाराष्ट्र में पिया जाता है. मिक्स सूखी उसल, ओके, वाओ, लुक्स सो नाइस एंड हेल्दी एंड एपेटाइजिंग. भर ले ली वांगी. मैंने बताया था ना आप लोगों को सुबह कि ये डिश होती है बहुत ही फेमस, बैंगन की सब्जी है ये बेसिकली. वालाची बेड़े, ओके, दाल है ये, दाल जैसा होता है. बाल, पल्स, पल्स. बाय द वे फ्रेंड्स, महाराष्ट्रियन फूड ना बहुत ही यमी और हेल्दी भी होता है. मिलेट्स होते हैं, बहुत सारे पल्सेस होते हैं. लोगों को पता ही नहीं है कि महाराष्ट्रियन क्यूजीन में कितनी चीज़ें होती हैं. लोगों को लगता है सिर्फ मिसल पाव, वड़ा पाव इज़ मराठी फूड. एक्चुअली इट्स नॉट. एंड दिस रेस्टोरेंट हैज़ एन अमेजिंग वराइटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज महाराष्ट्रियन फूड फ्रॉम ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र. मसाले भात, राइस, आमटी, ये आम वाली दाल होती है, ये मुझे पता है. वाओ वाओ वाओ, मेरे मुंह में ऐसा बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स हो रहा है. एंड फ्रेंड्स, डेजर्ट में पता है मैं क्या खाने वाली हूँ? दूधी भोपलाचा हलुआ. दूधी यानी कि लौकी घिया. यस, महाराष्ट्र में ये डिश बहुत ही पॉपुलर है. इसका हलवा खाया जाता है. मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया है, खा के देखते हैं. वाओ, ये तो एकदम गाजर के हलवे जैसा टेस्ट कर रहा है. आई कुड नेवर इमेजिन कि दूधी लौकी इतनी टेस्टी हो सकती है. फ्रेंड्स, इतना अच्छा खाना तो खा लिया, अब टाइम है थैंक यू बोलने का. दिस इज डॉक्टर सुहास आउचर. हाय हाय. ही इज अ डियर फ्रेंड एंड ही इज आल्सो द ओनर ऑफ दीवा महाराष्ट्र चा. ये पिछले इतने सालों से सारे मराठी सेलिब्रिटीज को, मराठी क्यों, सारे सेलिब्रिटीज को यहाँ पर खाना खिला रहे हैं. एंड पीपल जस्ट लव द फूड हियर. सो आज मैं मराठी चैलेंज कर रही हूँ. Yes. तो मुझे लगा कि इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है. सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द मिथ दैट All Maharashtrians are not ghati, they don't need vada pav, misal pav. There is so much more to Maharashtra. 12 crore people live in Maharashtra, speaking the same language, but nobody thought of celebrating this proud cuisine. Hmm. So we have Khandesh, Marathwada, Vidarbha, Pashchim Mahasa, Kokan, Mumbai, 34 districts, surrounded by 6 states, one unit in the Arabian Sea. And plus we have different communities. Hmm. The Maratha, the Sonas, the Bhandaris, yeah. the Kokanastha, the Saraswat, the Kohlis, the East Indians. So this food, you could never get any in commercial establishment. Mm-hmm. So Deepa did a great research on that and she went and met the homemakers, housewife, all over
massive. So basically, Deepa Auchit is doctor's wife, and she is the master chef. So यहाँ पे जो भी recipes हैं, वो दीपा की हैं, and she is a fabulous chef. I just love her food. अगर आप लोगों को भी ये massive महाराष्ट्रियन cuisine की range एक्सप्लोर करनी है, यू हैव टू कम हियर. मैं इनके रेस्टोरेंट की सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी. इफ़ यू आर इन मुंबई, इफ़ यू लिव इन मुंबई, प्लीज़ प्लीज़ डू विजिट. और अगर आप आके दो चार शब्द मराठी में भी बोलेंगे यहाँ पे, तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट मिलेगा. वाँ वाँ वाँ. और अच्छा अच्छा कोई कविता वगैरह गाली, तो यू नो लॉट ऑफ डिस्काउंट्स. इट्स फन. सो वी आर ट्राइंग टू you know, educated, enlightened people. माझा नाम गरिमा आहे. माझा नाव गरिमा आहे. डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? अरे मिल गया, 50% तो मिल गया. सो गाइज, दैट्स इट इन टुडेज वीडियो. अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चला भेटूया नेक्स्ट वीडियो. शुभ रात्रि.